सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुश मांडा IAS HCS Academy। इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर नायब तहसीलदार एग्जाम। तो आइए देखते हैं। स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्या होगा, दो चीज़ें गिवन होगी और एक हमें निकालनी होगी। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। तो दो पॉइंट हमें गिवन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर। टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए और बी। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार होती है यहाँ से स्टार्ट सेम टाइम पे एट ए स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है 25 किलोमीटर पर आवर। इफ द कार रन इन द सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, ये भी इधर और ये भी इधर, देन दे विल मीट आफ्टर। तो ये कितने समय के बाद ये मिलेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और दो कार हैं, एक की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 25 है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कितने समय बाद ये मिलेंगी, टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये होता है टाइम। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 60 किलोमीटर, स्पीड निकालनी है हमें। स्पीड रिलेवेंट स्पीड हम निकाल लेंगे जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, तो हम इन दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगी रिलेवेंट स्पीड और 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आवर। तो 6 घंटे के बाद ये दोनों कार मिलेंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, ए बॉय राइड्स हिज बाईसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन ट्रैवल 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इज अप्रोक्सीमेटली। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रैवल की गई है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ये हुई है 10 की स्पीड से। तो हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास टोटल गिवन है तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 22 किलोमीटर। उसके बाद टाइम हमें निकालना है, तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 10 किलोमीटर 12 की स्पीड से, यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। इसी तरह से 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से, यहाँ पे टाइम निकल जाएगा और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो ये 2 से काट लेंगे, 2 6 पे चला जाएगा और 2 5 पे, इसको काटेंगे 5 और ये 6। उसके बाद हमें 5/6 प्लस 6/5 इसको जोड़ना है, तो इसका एलसीएम 30 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 और 36, ये हमें जोड़ लेना है। तो ये 61 हो जाएगा, तो ये 61 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 61 नीचे और ये 30 ऊपर, इसको हम काट लेंगे। तो ये 660
डिवाइडेड बाय 61। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 10.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रेन है 180 मीटर लॉन्ग है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ओवरटेक ए मैन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, द ट्रेन पासिस द मैन इन। तो हमें गिवन है एक ट्रेन है और उस ट्रेन की जो लेंथ है वो है 180 मीटर। उसके बाद एक मैन बताया गया है, उस मैन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस, जब ये आदमी इसको ट्रेन पास करेगी तो जो डिस्टेंस होगी वो इस ट्रेन की लेंथ होगी 180 डिवाइडेड बाय स्पीड। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो इन दोनों का गैप होगा, डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 10 की निकल जाएगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 किलोमीटर के बाद, सॉरी 18 सेकंड में ये ट्रेन इस आदमी को पास कर देगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ए मैन कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाईसाइकिल फॉर द फर्स्ट 2 आवर, द स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर, फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी इट केम डाउन टू 10 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड विल बी। तो टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हुई है। यहाँ पे जैसे ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो 4 2 आवर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो जब 20 की स्पीड से 2 घंटे तक चला होगा तो 40 किलोमीटर उसकी कवर हो गई होगी। तो 40 हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर उसने ट्रैवल की 2 घंटे में। इधर कितनी बच गई, 60 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी इट केम डाउन, ये उसने ये वाली 10 की स्पीड से ट्रैवल किया 10 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली जो हुई है ये 20 किलोमीटर पर आवर से हुई है। उसके बाद हमें फाइनली निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल 100 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई टाइम हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लगा था और यदि 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाना हो तो 6 घंटे यहाँ पे लगेंगे। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे का लगेगा। तो 8 से हम इसको भाग कर देंगे, 4 से करेंगे तो 25 और यहाँ पे 2, तो 25 का आधा 12.5, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, इफ द ट्रेन टेक 30 सेकेंड टू क्रॉस ए ट्री बाई द रेलवे लाइन देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज। तो यहाँ पे स्पीड जो हमें ये डिस्टेंस गिवन है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस बाई टाइम 125 बाई 30, तो ये जो निकलेगी ये मीटर पर सेकेंड में निकलेगी, 1 किलोमीटर बटे 1 आवर। तो यदि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 1000 बटे 3600 हो जाएगा, 20 से 20, तो ये 5 और ये 18। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ हम जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, और यदि हम इधर जाएंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तो ये उलट जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 125/30 × 18/5, तो ये कट जाएगा 25 पे। उसके बाद हम 6 से काट देंगे, 6 3 6 5 और 5 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। सिक्स क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी सेकेंड इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ। तो हमें टाइम जो निकालना है सेकेंड में निकालना है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड हमें 45 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह डिस्टेंस हमें 4/5 किलोमीटर है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 200 पे कट जाएगा। तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास 4 × 200 और डिवाइड बाई 45 × 5 और ये ऊपर 18, इसको काट लेंगे 4 0 5 9 और ये 5 8 पे कट जाएगा और 9 2 तो ये 64 हो जाएगा, 64 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। सेवन्थ क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रैवल 600 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, 80 की स्पीड से 800 किलोमीटर, शिप से जाता है 40 की स्पीड से 500 किलोमीटर, एरोप्लेन से जाता है 400 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर जाता है कार से 50 की स्पीड से। तो 600 किलोमीटर, 80 की स्पीड से 800 किलोमीटर, 40 की स्पीड से 500 किलोमीटर, 400 की स्पीड से और 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस यदि मैं जोड़ूं तो ये 2000 निकल जाएगा, क्योंकि 500 और 100 600 और 600 1200 800 2000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकल गया। उसके बाद हमें निकालना क्या, हमें स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास निकल गया, हमें टाइम और निकालना है, और टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस 600 हुई है, इस स्पीड से यहाँ पे 800/40, 500/400 और 100/50। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, तो ये पूरा 2 पे कट जाएगा। यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं और 2 घंटे यहाँ पे, तो 4 घंटे, और इसको हम जोड़ लेंगे अलग से। तो 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0, और उसके बाद इसको काट लेते हैं हम, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 और यहाँ पे 2, तो हम इसको जोड़ लेंगे 15/2 प्लस 5/4 प्लस, और 2 और 2 4 घंटे ही हैं, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये 123 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2000/123 × 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इन सेकेंड विच इट विल पास ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। तो एक ट्रेन है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इस ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि ये खुद इस आदमी को जो पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस इसकी लेंथ के बराबर कवर होगी, तो यहाँ पे 100 मीटर इसकी डिस्टेंस गिवन है। स्पीड जो है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से डिवाइड करके। तो हमें निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 100 × डिवाइडेड में कर देंगे 30 × 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 6 से कट जाएगा 3 5 और ये 25 × 100, तो टोटल 12 सेकंड लगेगी इस आदमी को पार करने में। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 है, टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट एंड ऑफ ए ब्रिज। तो हम मान लेते हैं ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज की जो लेंथ दी गई है वो 1200 मीटर है और दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे। इफ दे वॉक टुवर्ड इच अदर, ये इधर चला और ये इधर। स्पीड गिवन है एक की 5 मीटर पर मिनट है और दूसरे की है 10 मीटर पर मिनट। रिस्पेक्टिवली इन हाउ मच टाइम दे विल मीट, कितनी देर के बाद वे मिलेंगे। टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस गिवन है 1200, जब वे एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जो रिस्पेक्टिवली स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी दोनों की, यहाँ पे हो जाएगी 15। जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ पे हम माइनस करेंगे और जब अपोजिट चलेंगे तो वहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे 15 हो गई है, 15 से इसको भाग कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 80 मिनट के बाद वे मिलेंगे, तो इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एरोप्लेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर। टू कवर द सेम डिस्टेंस, यदि इतने टाइम में कवर करनी है तो उसकी स्पीड क्या रखनी होगी। तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है यहाँ से, जब 240 की स्पीड से चला, 240 किलोमीटर पर आवर और 5 घंटे लग गए, तो 5 से इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी 0 0। तो ये इतनी डिस्टेंस निकल गई, या आप इसकी मल्टीप्लाई ना भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आ गई 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये है 3, 5/3 है तो इतना टाइम लगेगा। तो ये 5 नीचे और 3 ऊपर, 5 से 5 कट जाएगा, तो 720 की स्पीड रखनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी सेकेंड विल ए 500 लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। एक ट्रेन है और उस ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है 63 किलोमीटर पर आवर, और एक मैन है, उस मैन की स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ट्रेन की जो लेंथ है वो गिवन है 500 मीटर। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 500, स्पीड जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये 60 की निकलेगी, 60 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 60 × 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कट जाएगी, ये 3 पे कट जाएगा और ये 10 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के बाद जो ट्रेन है इस मैन को क्रॉस कर देगी, इसका सेकंड हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग ए ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर। तो स्पीड हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, हम इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 × 1000, ये मीटर हो गई और मिनट होगी 60। तो ये स्पीड निकल गई हमारी मीटर पर मिनट में। तो एक मिनट में इतना टाइम, इतना डिस्टेंस कवर होगा।
और मिनट लगी है 15, तो 5 by 60 into 1000 into 15, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, 3 5 3 2, और 2 से कट जाएगा तो 1 2 5 0, कितने मीटर हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए ट्रेन पासिस टू ब्रिज ऑफ लेंथ, एक की 800 मीटर है, दूसरे की 400 मीटर है, इन 100 सेकंड एंड 60 सेकंड। तो दो ब्रिज हैं, एक ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ पे एक ट्रेन है, इस पहले ब्रिज की जो लेंथ है वो 800 मीटर है और दूसरे की 400 मीटर है। यहाँ पे टाइम कितना लगा है? 100 सेकंड इसको क्रॉस करने में और इसको क्रॉस करने में 60 सेकंड। हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब पहला क्रॉस होगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी? 800 प्लस ट्रेन की लेंथ टी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम लगा है 100 सेकंड का, और यहाँ पे भी डिस्टेंस तो स्पीड तो दोनों तरफ इक्वल है, यहाँ पे स्पीड निकल जाएगी 400 प्लस ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय 60। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, 2 3 पे कट जाएगा और ये 5 पे। उसके बाद इसकी हम क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 3t इक्वल टू 2000 प्लस 5l, तो इधर आ जाएगा 400 और इधर आ जाएगा 2l, ये इस पे कट जाएगा तो 200 आ जाएगा। 200 मीटर की ट्रेन है, इसका राइट आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। तो वॉक प्लस राइड, इन दोनों का टोटल टाइम हमें गिवन है 37 मिनट। उसके बाद क्या है, आई कुड वॉक बोथ वे इन 55 मिनट। यदि दोनों तरफ आना और जाना पैदल हो तो टाइम लगता है 55 मिनट का। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यदि यहाँ से जाना और आना इस हम पैदल जाते हैं तो टोटल टाइम लगता है 55 मिनट। तो एक तरफ जाने का टाइम हम इसका हाफ कर देंगे, 50 का आधा 25, और ये 27.5 हो जाएगा, 27.5। तो यहाँ पे यदि हम 27.5 घटा देंगे तो हमें एक तरफ जाने का टाइम लग जाएगा, इसमें से यदि हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9.5। तो राइड में जो टाइम लगा है वो एक तरफ का 9.5 लगा है, यदि बोथ वे हमें जाना हो तो इसका डबल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और ये हाफ और हाफ एक 19 हो जाएगा, 19 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए थीफ इज नोटिस बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो यहाँ पे पुलिसमैन है और यहाँ पे चोर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। उसके बाद क्या है, द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड पुलिस चेज हिम, द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट ए रेट ऑफ। तो दोनों की स्पीड गिवन है, चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, 6 मिनट के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होती है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे
जो रिलेवेंट स्पीड आएगी वो इन दोनों का डिफरेंस आएगी, जो कि 1 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। और यहाँ पे ये हमें मिनट में गिवन है, यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 मीटर निकलेगा, 1000 मीटर, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमें मीटर में गिवन है। ये मीटर किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 भी आएगा। तो स्पीड हो गई 1000/60 इंटू टाइम चाहिए 6 का, 6 मिनट, तो ये 10 पे कट जाएगा और 1 0 से 1 0, तो 100 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस होगी 6 मिनट के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल है, हम मान लेते हैं दोनों की एल एल है। विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और 1 मिनट में इसको क्रॉस कर देती है ट्रेन। इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 90 इंटू मीटर में इसको 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 60 मीटर पर मिनट, ये इतनी हमारी स्पीड आ गई। उसके बाद हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है, मीन्स हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, इसको हम काट लेते हैं 1 0 से 1 0, 3 से कट जाएगा 2 पे, 30 और ये 50, तो ये टोटल 1500 और इसको हम बराबर रख लेंगे 2L के। तो ये जब इसके कटेगा तो ये 750 निकलेगी L के वैल्यू। 750 मीटर लंबी ट्रेन है और 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए मैन क्रॉसेस ए रोड 250 मीटर लंबा है चौड़ा इन इतने सेकंड। तो इसकी जो मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी वो 250/75 और किलोमीटर में करने के लिए 18/5, तो 5 से 50 पे कटेगा, 25 दूनी 50, 25 75 और 3 6, तो 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक 15 मिनट लॉन्गर देन बी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज। तो ए है और बी है, ए की स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये ए है और ये बी है। तो जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। हमने टाइम क्यों लिया, क्योंकि हमें टाइम का डिफरेंस 15 गिवन है, तो हम 15 के बराबर यहाँ पे रख लेंगे। डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, डी डिवाइडेड बाई स्पीड 40 की, फिर डी माइनस 50 की, और इनका डिफरेंस गिवन है हमें 15 मिनट, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमें सोल्व करना है, तो ये 0 0 0 ये कट जाएगी, ये 20 और यहाँ पे आ जाएगा डी इक्वल टू 15/6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20 × 15/6, तो ये 2 से काट देते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 और ये 5, तो डी की वैल्यू निकल गई 50 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 है, ए ट्रेन पासिस 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये हम मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म 50 मीटर प्लेटफॉर्म है, ये इसको क्रॉस कर देती है 14 सेकेंड में, और इस प्लेटफॉर्म पे एक मैन खड़ा है उसको कर देती है 10 सेकेंड में। तो जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ प्लस 15 मीटर और यहाँ पे टाइम लगा है 14 इज इक्वल टू, जब मैन को क्रॉस करेगी तो खुद की डिस्टेंस जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ट्रैवल होगी, डिवाइडेड बाय 10, 2 से इसको काट देंगे 7 और ये 5, उसके बाद इनकी क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरफ तो 7L हो जाएगा और यहाँ पे 5L प्लस 50 × 5, तो ये 5L इधर चला जाएगा तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 25 पे, तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 125 मीटर। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस आ गई हमारे पास 125 डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ पे 10 सेकेंड का गिवन है तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो 12.5 को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 25, तो ये 18×5=09 और 18×2=36 और 9=45, यहाँ पॉइंट लगे तो 45 की स्पीड आ जाएगी, इसका हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन एथलीट रन 200 मीटर रेस इन इतने सेकंड, तो किलोमीटर इजी क्वेश्चन है, स्पीड यदि हम उसकी मीटर पर सेकंड में निकालें तो 200 को 24 से भाग करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 पे कट जाएगा, 6 से काट देंगे 3, 4 और ये 10 पे कट जाएगा, तो उसकी किलोमीटर पर आवर में 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालें, और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करना होगा। थैंक यू।